शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जभी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना। तुझे बुलाए नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह। मिस्टर वेडेलकर, आप अपनी जिरह शुरू करिए। थैंक यू मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, आशा देवी की खामोशी इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपने एक साल के मासूम बच्चे को जहर देकर मारने की कोशिश पूरे होशो हवास में की है, और इनकी खामोशी इस बात का इकबाले जुर्म है। लेकिन फिर भी मैं अदालत की संतुष्टि के लिए गवाह के तौर पर डॉक्टर के चमनलाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हां तो डॉक्टर चमनलाल, आप आशा देवी को कब से जानते हैं? करीब 2 साल से, जब से इनकी शादी कपिल के साथ हुई थी। आप 20 अगस्त का वो वाक्य अदालत के सामने बयान करेंगे जब आप आखिरी बार आशा देवी के घर बच्चे को दवा पिलाने गए थे? जी हाँ, उस दिन इनके पति कपिल मेरे क्लिनिक पर आए और बताया कि उनका बच्चा सुबह से लगातार रो रहा है। क्योंकि सुबह का वक्त था और क्लिनिक पर मरीज नहीं थे, सो मैं इनके घर चल दिया। घर पर क्या हुआ? मैंने देखा कि बच्चा लगातार रोए जा रहा था। मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ठंड के कारण बच्चे को निमोनिया हो गया है। फिर आपने क्या किया? मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आशा देवी को दिया और किसी केमिस्ट की दुकान से दवा लाने के लिए बोला। मैंने दवा पिलाने का तरीका भी बताया उन्हें। डॉक्टर चमनलाल, आपको अच्छी तरह से याद है कि वो दवा आपने अपने हाथों से लिखी थी? जी हाँ। कौन सी दवा लिखी थी आपने? सिप्लेक्सिन सिरप लिखा था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपने क्लिनिक चला गया अपने मरीजों को देखने। तो डॉक्टर चमनलाल, आपको कब पता चला कि बच्चे को जहर दे दिया गया है? उसी दिन लगभग 4 बजे कपिल अपने बच्चे को गोद में लिए हुए घबराया हुआ मेरे क्लिनिक पर आया। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे। इसके मुझे झाग दे रहे हैं। इसके क्या हुआ? लेटा इसे, लेटा जल्दी का। आप एक मिनट ड्राई रखिए। जी। इसे तो बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। लक्षण तो जहर के लग रहे हैं। वक्त जाया मत करो। निरीक्षण के लिए इसे तुरंत बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकर चलो इसे। अस्पताल में प्रॉपर एग्जामिन के बाद ये पाया गया कि बच्चे को कीटनाशक दवा ही पिलाई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब बच्चे की हालत में सुधार आने लगा तो कपिल ने मुझे बच्चे के पास कुछ देर रुकने के लिए कहा ताकि वो घर से पैसा ला सके, और फिर कपिल घर चला गया। अरे तो इतना घबराया हुआ क्या है? और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को मैं बड़े अस्पताल में भर्ती करा कर आया हूँ, और जल्दी करो मां, थोड़े पैसे भी ले लो। बड़े अस्पताल में? मगर क्यों? तुमने क्या पिलाया मुन्ना को? तुमने बहुत क्या दिया मेरे मुन्ना को? मैंने दवाई पिलाई है। झूठ बोलती है। तुमने जहर दिया मेरे मुन्ना को, और याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये क्या है? माय लॉर्ड, ये वो दवा है जो डॉक्टर चमनलाल ने बच्चे को पिलाने के लिए प्रिस्क्राइब की थी। लेकिन ये तो अभी तक खोली ही नहीं गई। ऑफकोर्स माय लॉर्ड, दवा की बॉटल सील्ड है। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे को दवा पिलाई ही नहीं गई थी, बल्कि बच्चे को पिलाया गया था जहर।
माय लॉर्ड, दवा की बोतल, डॉक्टर चमनलाल के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और आशा देवी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि बच्चे को जानबूझकर जहर पिलाया गया था। इसे माय लॉर्ड, मेरी अदालत से दरखास्त है, आशा देवी को ऐसे घिनौने और संगीन जुर्म के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आशा देवी, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो अभी भी वक्त है, वरना आपकी खामोशी को एक बाले जुर्म समझा जाएगा। कुछ तो बोल, अगर बोलोगे नहीं तो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करो? बोलो बेटे, कुछ तो बोलो। तो आशा देवी, आप अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहती, यानी आप अपना जुर्म कबूल करती हैं। ठीक है, तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत। ठहरिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर, आप कौन है? मैं इस बदनसीब लड़की का बदनसीब बाप, जिस गुनाह की सजा इसे दी जा रही है उसका असली गुनाहगार मैं हूं। आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आइए और साफ साफ कहिए। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, दरअसल मेरी बेटी सदमे की वजह से खामोश हो गई है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। साहब, मेरी बेटी समझदार तो है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, और इसी अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हो गया, जिसका असली गुनाहगार मैं हूं। जज साहब, मैं। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, मेरी पत्नी को पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। मैं इसका बाप हूं जज साहब, और एक बाप होने के नाते मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि ये क्या जानती है और क्या नहीं जानती। इसी न जानने और जानने के बीच में वो सच्चाई छुपी है। जज साहब, आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो कहना है साफ साफ कहिए और जल्दी कहिए ताकि अदालत अपना फैसला सुना सके। सच्चाई ये है जज साहब कि मेरी बेटी तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाई, इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये मेरी इकलौती बेटी है जज साहब, इसलिए इससे मेरा बहुत लगाव है। मैंने भी इसको स्कूल जाने से मना कर दिया और घर बिठा लिया, आगे नहीं पढ़ाया। ये मेरा गुनाह है जज साहब, जिसकी सजा इसे मिल रही है। अनजाने में इससे एक गलती हो गई, इसने असली दवाई की जगह पास ही रखे कीड़े मकोड़े वाली दवा अपने बेटे को पिला दी। इसने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया जज साहब, कोई गुनाह नहीं। अगर मुलजिमा ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा तो यह अदालत उसकी गलती को गुनाह मानने पर मजबूर हो जाएगी। जज साहब, इसकी खामोशी ही इसकी गलती है, इसके दिमाग पर इतना गहरा सदमा है कि अपने वकील से भी कुछ नहीं बताती। इस बयान की रोशनी में अगर वकील सफाई को कुछ कहना हो तो इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आशा देवी के वालिद जनाब अर्जुन सिंह की बात में यकीनन सच्चाई है। मेरी अदालत से इतनी ही गुजारिश है कि आशा देवी को अपना बयान तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अदालत आपकी गुजारिश मंजूर करती है। थैंक यू मिलॉर्ड। मुकदमा आज के लिए मुलतवी किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि आपसे यह गलती अनजाने में हुई है, मगर अदालत में आपको अपनी जुबान से सारी बात खुलासा करना बहुत जरूरी है। आपकी खामोशी ने हमारा मुकदमा बहुत कमजोर कर दिया है, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं आप बेकसूर हैं। आशा जी, अपनी खामोशी तोड़िए, कुछ तो कहिए। बोल बेटी बोल, तू नहीं बोलेगी ना तो केस बिगड़ जाएगा। अरे कम से कम अपने वकील को तो सब कुछ बता दे कि तेरे साथ क्या हुआ। तू तो जानती है तेरा पति तेरे खिलाफ हो गया है। अरे उसमें तो इतनी भी समझ नहीं रह गई है
कि एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी भला? आशा जी, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आप एक माँ हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपका बच्चा बिना माँ के पले? जब वो बड़ा हो, उसे ये पता चले कि उसकी माँ ने उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसकी वो सजा भुगत रही है। आशा जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोल बेटी, बोल, पूरी बात बता दे, बोल। धीरे से बेटी, हिम्मत कर। अरे तू बोलेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बोलेगी ना? शाबाश बेटी, शाबाश। बड़ी मुश्किल से सोया है, इतना छोटा बच्चा है, बगैर माँ के नहीं रह सकता। बगैर हत्यारा माँ के। सुन बेटा, वो भले ही तेरे लिए हत्यारिन हो, पर मेरा मन तो आज भी ये नहीं मानता कि आशा माँ होकर अपने बच्चे को मारेगी। उसकी कोई वजह तो हो, और मुझे तो ऐसी कोई वजह भी नजर नहीं आती। वजह है माँ, जो तुम नहीं जानते। अगर तुझे पता है तो मुझे भी तो पता चले। वो बच्चा नहीं चाहती थी माँ। क्या? हाँ, क्योंकि उसकी सहेली ने सिखाया था कि शादी के तुरंत बाद माँ नहीं बनना। उसने जिद भी बहुत की थी, इस बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़े भी हुए। कमाल है, बाप तो इतने पुराने ख्यालात का कि बेटी को अच्छी शिक्षा तक नहीं दी, और बेटी इतनी आधुनिक ख्यालों की। आधुनिक नहीं, मूर्ख कहो माँ, मूर्ख, बेवकूफ। जिनमें अपनी अकल नहीं होती वही दूसरों की सलाह पर अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। जानती हो वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि 5 साल तक इस घर में कोई बच्चा ना हो, ताकि वो आजाद घूमे। इतनी जरा सी बात के लिए इतना बड़ा पागलपन करेगी वो? जरा सी बात ये तुम्हारे लिए होगी माँ, लेकिन उसके लिए ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बार बार कहा था। कहा तो था आशा, लेकिन लेकिन तुमने समझा मैं मजाक कर रही हूँ। तुम्हें मालूम था मैं इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। तुमने मेरा साथ देने के बजाय मेरी इच्छा कुचल दी। ऐसा नहीं है आशा, हमने प्रिकॉशन तो लिए थे ना। दिल होनी को कौन टाल सकता है आशा, ये हमारा पहला बच्चा है, ये तो हम दोनों के लिए खुशी की बात है। तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि मुझे माँ बनाए बगैर तुम बाप नहीं बन पाते। भाई ये बात तो सही है, और शादी के बाद हर लड़की माँ बनने का ख्वाब देखती है। तुम्हें हो जो बहस मत करो। सुनो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अबॉर्शन करा दो। पागल हो गई हो, इतने शुभ मौके पर इतनी अशुभ बात। अरे बेवकूफ, माँ बनना हर औरत के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, इसे उसका प्रसाद समझकर अपनी कोख में पलने दो। नहीं, कोख में पालने के लिए जब हम चाहेंगे दूसरा बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो ये बात है? हाँ, यही बात है। तो तुम भी सुन लो, बहुत हो गई बकवास, तुम्हारी ये जिद नहीं चलने वाली, तुम्हें उस बच्चे को जिंदा रखना होगा। नहीं। तो क्या करोगी? मैं उसे मार डालूंगी। और जो उसने कहा वही करने की कोशिश की। माँ बनने से पहले का जुनून है कपिल, और माँ बनने के बाद हर औरत के ऊपर ममता हावी रहती है, और मैंने तो आशा के व्यवहार में मुन्ने के लिए ममता ही देखी है, नफरत नहीं। वो सब दिखावा था माँ, मैंने उसे उसकी जिद पूरी नहीं करने दी, इसका गुस्सा उसके दिमाग से कभी निकला नहीं, और मौका मिलते ही उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। उसको बच्चा नहीं आजादी चाहिए थी माँ, आजादी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कपिल, भगवान ही जाने क्या सच है। सच तो साबित हो चुका है माँ, अगर वो गुनहगार ना होती तो अपनी सफाई में कुछ तो कहती, उसकी खामोशी ही उसका इकबाल जुर्म है। दुख तो मुझे भी है माँ, लेकिन अदालत का फैसला उसके खिलाफ ही जाने वाला है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आशा देवी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सारे गवाहों के सारे बयान एक तरफा है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, एक ऐसी सच्चाई जो आशा देवी की बेगुनाही पर रोशनी डालती है, और जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत में यह साबित करना चाहती हूं कि आशा देवी बेगुनाह है, बेकसूर है। माय लॉर्ड, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत है। माय लॉर्ड, हमारी काबिल वकील मृदुला जी आशा देवी को बेगुनाह साबित करना चाहती है, जिसे गुनाहगार साबित किया जा चुका है, और जब सफाई का मौका दिया गया तब ना तो ये अपने मुवक्किल के बेगुनाही का कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकी, और ना ही आशा देवी ने अपनी खामोशी तोड़ी। बात खत्म हो गई और अदालत फैसले के हाथ तक पहुंच भी गई है। माय लॉर्ड,
वो कहते हैं ना, मौनम स्वीकार लक्षणम, खामोशी का मतलब हां होता है। और आशा देवी ने खामोशी की हां में अपना गुनाह कबूल किया है। अब इसमें नया कुछ नहीं रह गया मिलावट। और ये मृदुला जी, ये सब कहकर अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। इससे पहले कि आशा देवी अपनी सफाई में कुछ कहें, मैं आशा देवी के पति मिस्टर कपिल से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर कपिल कुमार जी, आप आशा देवी के पति हैं। जाहिर है कि पति होने के नाते आप आशा देवी को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा तो ये बताइए, आशा देवी आपकी पत्नी, माँ के नाते आपके बच्चे की कैसी देखभाल करती थी? देखभाल तो ठीक ही करती थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो अंदर ही अंदर नफरत भी करती थी। ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ये सच है। क्या सबूत है आपके पास? सिर्फ यही ना कि आजकल की लड़कियों की तरह वो कुछ साल आजाद विवाहित जीवन जीना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे कहा था कि उन्हें जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और इसलिए आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद उन्होंने माँ बने रहने की बजाय हत्यारन बनना चाहा। जी हाँ, बेशक। सिर्फ आप ऐसा सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं है वो सच हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा सोचना मेरे हिसाब से सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये गलत हो। नोट किया जाए मिलॉर्ड, जब भी कोई घटना परोक्ष में घटती है तो उसके बारे में हमारी सोच सच नहीं सिर्फ अनुमान होती है, और सच और अनुमान में उतनी ही दूरी है जितनी एक माँ और एक हथियारन में। मिस्टर कपिल कुमार जी हाँ, आपके लिए आखिरी सवाल। जी पूछिए। इसे पहचानते हैं आप? जी हाँ, ये तो वही बोतल है कीड़े मारने की दवाई जो उसने मेरे बेटे को पिलाई थी। सॉरी, ये तो मुन्ने की दवाई की शीशी है जो उसे पिलाई जानी चाहिए थी। That's all my love. Order, order. मिस्टर वाडेलकर, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? No, my lord. मिस मृदुला, प्लीज प्रोसीड। अब मैं आशा देवी से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आशा देवी, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है कि आपने अपने बच्चे को जहर देकर मारने की कोशिश की, क्या ये सच है? नहीं। वेरी गुड। तो आज अदालत को ये बताओ कि तुमने आज तक ये बात क्यों छुपाई और अब तक क्यों चुप रही? आज मैं अदालत के सामने सारा वाकया बयान करना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, आशा देवी को इजाजत दी जाए कि वो अपनी बात कह सके। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। कहिए। जज साहब, यह सच है कि डॉक्टर ने मुन्ने को पिलाने के लिए दवाई की चिट्ठी दी। उस दवाई की चिट्ठी से मैंने बाजार से दवाई खरीदी। ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये दवा लाई हूँ। हाँ, ये ठीक है। सुबह शाम एक एक चम्मच पिलाइए, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। एक चम्मच अभी पिलाइएगा, एक शाम को। जी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ठंड से बचाइए और दवा पिलाते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर। माँ जी, मुन्ना तो सोया हुआ है, उठा कर पिला दो। नहीं बेटा, अभी सो रहा है, जब उठ जाए तो पिला देना। जी ठीक है। और क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी देखभाल में लापरवाही मत करना। निमोनिया हुआ है, लेकिन दवाई से ठीक हो जाएगा। दवा दी? नहीं, सो रहा है, जागने पर दवा दे दूंगी। ठीक है। अरे, ये तो अंग्रेजी में है, ये भी अंग्रेजी में है। हाँ हाँ, पिलाती हूँ पिलाती हूँ। चलो मुन्ना। ये
नहीं नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना जज साहब, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं ठीक से पढ़ना नहीं जानती, इसलिए शीशी पर लिखा नाम मैं पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैं तो यही चाहती थी कि दवा पीकर मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि खुद को संभालिए आशा देवी। चलसा, मैंने अपने बच्चे की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, और ईश्वर ने उस दुखिया पर रहम खाकर मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे लौटा दी। एक माँ के लिए अपने अपने बच्चे की सलामती से बढ़कर और क्या होगा? आपने ये बातें अदालत को पहले क्यों नहीं बताई? जज साहब, मेरी गलती इतनी संगीन है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ गई, भले ही मुझसे अनजाने में सब कुछ हुआ हो, लेकिन वजह तो मैं ही बनी। मैंने माँ और ममता दोनों का नाम कलंकित किया। इन्हीं ख्यालों के गहरे सदमे ने मुझे खामोश कर दिया। मैं चाहती हूँ जज्जा कि मुझे अपने किए की सजा मिले, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए जज्जा। ठीक है, अदालत ने सुन लिया, अब आप बैठ सकती हैं। मिस मृदुला, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सजा सुनाने से पहले हर पहलू को मद्देनजर रखा जाए। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए जज साहब, इस बेवकूफ बाप को जिसने अंधे मुंह में अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। अगर उस समय पढ़ाया होता तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। बैठ जाइए, अदालत आपकी बात सुन चुकी है। मिस मृदुला, एनीथिंग मोर? नथिंग मोर माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। अदालत में आज ये अजीब वाकया पेश आया है। सभी सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले कुछ खास बातों पर जिक्र करना जरूरी समझती है। यह वाकया जिंदगी में शिक्षा की अहमियत पर रोशनी से ताल्लुक रखता है और साथ ही उन बुजुर्गों को सबक देता है जो आज भी यह मानते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं है। आरोपी आशा देवी अशिक्षा का शिकार हुई और अदालत यह मानती है कि यह मामला हत्या की कोशिश का नहीं बल्कि महज एक हादसा था, इसलिए यह अदालत आशा देवी पर लगाए गए सभी इल्जामों को खारिज करती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। बिटिया, हमारी जीत वकील साहिबा की वजह से हुई है। जीत हमेशा सच की होती है। बेटी, चलो चलो घर, चलो चलिए वकील साहिबा, चलिए चलिए। कुछ तो खा लो बेटी, देखो जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और आगे की सोचो। आगे की ही सोच रही हूं बाबूजी। मैंने भी सोच लिया है बेटी कि तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। अब बहुत देर हो गई है बाबूजी, हर काम सही वक्त पर सही हो पाता है और अच्छा भी लगता है। नहीं बेटी, अगर हम वक्त के साथ चलेंगे तो वक्त भी हमारे साथ चलेगा, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दूंगा कि तू अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। और मेरे मुन्ने का क्या होगा? देख बेटी, इस मुकदमे के बाद बात बिगड़ गई है और मुमकिन है कि कपिल मुन्ने को ना छोड़े। आपने मुझे कपिल से मिलने क्यों नहीं दिया? अब वो तेरा पति नहीं, तेरा दुश्मन है। क्यों मिलना चाहती है उससे तू? मुन्ने के लिए, मुझे मुन्ना चाहिए। तू क्या समझती है, जिसने तुझ पर अपने ही बेटे की जान लेने के इल्जाम लगाया हो वो इतनी आसानी से अपने बेटे को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा? और
वो भी तो उसका बाप है। मैं कपिल से उसका बेटा छीनना नहीं चाहती बाबूजी, लेकिन मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मैं मुन्ने के बगैर कैसे रहूंगी। देखो बेटी, तुम दोनों में से किसी एक को मुन्ने से अलग रहना पड़ेगा। क्यों अलग रहना पड़ेगा? क्या मैं अपने घर अपने मुन्ने के पास नहीं जा सकती? पागल हो गई है तू? हैं? तेरे ही पति ने तेरे खिलाफ इतना बड़ा कांड रचा और तू फिर उसी के घर जाना चाहती है? अरे गुनहगार तो वो है जिसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। कपिल गुनहगार नहीं है बाबूजी। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा घर उजड़े, लेकिन कपिल ने जो कुछ किया है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वापस पहले की तरह रह पाओगे। इसका मतलब है मैं मुन्ने से कभी नहीं मिल पाऊंगी। कैसे नहीं मिल पाओगे? इस बार हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अंदर बैठने के लिए नहीं कहेंगे? आशा, तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे बगैर नहीं रहता। ये लो संभालो। मुझे माफ नहीं करोगे बाबूजी? छोटू की गलती बड़े माफ कर देते हैं, आप मुझे माफ नहीं करोगे? मुन्ने की हालत ने मुझे पागल बना दिया था। बहुत सी बातें जो मुझे सोचनी चाहिए थी उस दौरान नहीं सोच पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर गलती आपकी है तो मेरी भी तो है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, हमें अपनी गलती समझने का मौका तो मिला। कैसे? मैं फिर से पढ़ना लिखना सीखूंगी। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। शाबाश शाबाश। अपने घर चले आशा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जभी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना। नहीं अंधेरे में अब रहना।